में एकदम ब्राइट लाइट आंखों में जब पड़ती है तो क्या होता है कि एकदम सूरज जब एकदम आंखों में पड़ता है तो यू ओपन यू गेट अप एंड दैट यू कांट बेयर दैट लाइट। तो ऐसे मैंने किया तो मैंने उस लड़के की तरफ देखा, लेटी हुई थी, मैंने कुछ नहीं देखा, ऐसे उस लड़के की तरफ देखा तो कहने लगा चुप करके, जब गुरु जी का वो बेसमेंट में है, छोटी सी बेसमेंट है और जब ऊपर चार पांच सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, राइट में गुरु जी का कमरा है जो गुरु जी रेस्ट करते होते थे, लेटते होते थे, और उधर बाहर जाओ तो एक ओपन जगह है जहाँ पर बर्तन बर्तन साफ एंड वॉशरूम बजते हैं। एकदम वन स्नेक वाज गोइंग और वो स्नेक चढ़ रहा था, ऊपर चढ़ गया सीढ़ियों में और उसके पीछे पीछे व्हेन यू एक ब्राइट लाइट के आगे जो आप खड़े होते हैं कैसे लगता है, दैट इमेज भी कुछ सी गुरु जी की। और वो देखे वो ऐसे चले गए, गुरु जी भी चले गए एंड ऑल दैट। और मैं उस लड़के की तरफ देख रही थी कि क्या है, कहते आंटी जी ये आपने जो देखा ना आप किसी को नहीं बताना, ये गुरु जी को अच्छा नहीं लगता। अच्छा भाई देख लिया, मैंने कहा कब होते, मैं कार जा रही हूँ, आ मेरे परौंठे के यहाँ तू ले ला, चाय के साथ मिली, मैं घर जाकर खा लूँ। पर मैंने कहा वॉशरूम होकर जाती हूँ। जब मैं वहाँ ऊपर, कहता है आंटी दीदी, उसने मेरे को बोलो, पहले आंटियाँ नहीं बोलती थी, बहुत बाद में दीदी आप ऐसे जाओगे ना ऊपर जाओगे तो गुरु जी का कमरा खुला होगा इतना सा, आपने वहाँ खड़ा नहीं होना, बस ऐसे देख के चले जाना। और एक बार जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ी और ऐसे वॉशरूम की तरफ जाने देखी तो मैंने ऐसे ही देखा, बस ऐसे देख के मैं आगे निकल गई। दैट स्नेक वॉज कॉइल्ड एंड ऐसे बैठा किया हुआ था एंड गुरु जी वॉज सिटिंग। That was my turning point of my life when I came to know। मैंने वॉशरूम क्या जाना था, मैं तो नीचे कांपती हुई नीचे आके बैठ गई उस लड़के के, कितनी देर मैंने हाथ पकड़ के रखा, आई वाज जस्ट शिवरिंग कि मैंने क्या देख लिया, यू नो दैट वॉज आई सॉ गुरु जी एंड दैट वॉज। उस टाइम तो सब ने बोला कि ये एक्सपीरियंसेस आपने शेयर नहीं करने हैं किसी के साथ में, गुरु जी डजंट लाइक। सो दैट वाज हाउ आई सॉ हिम इन दैट शिप रूम, दैट वाज टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ एंड आफ्टर दैट नो लुकिंग बैक, दैट वाज हाउ गुरु जी वाज। दीज आर द टू ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस व्हिच आई हैड विद हिम, आई कैन नॉट फॉरगेट ऑल माय लाइफ। So that was that how it was, and I 2 years back मैं बड़ी बीमार हो गई, बहुत बीमार हो गई तो मेरे घुटने चलने बंद हो गए। I went and took in some injection in the this thing, वो reaction हो गया and I could not walk at all। मैंने कहा हाय गुरु जी, little my uncle used to just hold me and take me to the washroom, my bed was here and the washroom was there, still I could not walk at all, bedridden just got there, badi mushkil se mere ko leke jaate the wapas aate the। ek din maine apne uncle ko awaaz lagayi, he was fast asleep, he could not hear me, then I got up, I slowly went to the washroom, maine kaha hai guru ji aap hi pita kisi mere naam, मैंने तो तुरंत योगा भी नहीं छोड़िया। सो बस इतना मैं कह के वॉशरूम के ऊपर बैठ गया, अपने बेड के ऊपर, मेरे बेड साइड पे एक ग्लास पानी का आधा ग्लास पड़ा हुआ था। सो आई वॉज एग्जॉस्टेड, आई जस्ट टुक दैट ग्लास एंड आई ड्रैंक, यू विल नॉट बिलीव, वो ही सैंडलवुड की वो थी जो गुरु जी ने वहाँ फ्रेगरेंस मुझे दी, वो मैंने पिया।
I said, Guruji, thank you so much for showing me your presence to me. Uske baad, I was with walker, then I was with walking stick, and abhi bhi main walking stick leti hu, but where I have to walk very long, otherwise आज इन्होंने तो आज मुझे बहुत दौड़ा दौड़ा के ले गए कि लेट हो रहे हैं. सो वी वर रनिंग, सो आई वाज रनिंग पेसिंग विद हर एंड गेम. सो दैट इज हाउ गुरुजी वाज तो मेक मी वेरी नॉर्मल. व्हेन आई वेंट आई वाज अर्निंग विद गुरुजी, तो मेरे अंकल जी चले गए एंड माय डॉटर इन लॉ से कि आप क्यों रो रहे हो, आप पापा अगर आपको कुछ हो जाता तो पापा तो मेरे आपके साथ ऐसे करते, तो आप बाहर निकलो इसमें से. कहाँ जाना है आपने, बोलो कहाँ जाना, आप आज जाओ घर से बाहर निकलो. तो आई सेड कि मुझे बड़े मंदिर जाना है. कहती अच्छा, सो कॉल द ड्राइवर और मैंने कपड़े निकाले. कहते आज तो ये कपड़े पहन के जा रहे हो, आफ्टर दिस यू आर नॉट गोइंग टू वेयर दी शैबी क्लोथ्स एंड गुडिया वाले कपड़े नहीं तू पहनू, वे ब्राइट क्लोथ्स एंड गो. आई वेंट, आई वॉज जस्ट गोइंग एंड माई आईज क्राइंग, आई एम नॉट क्राइंग बट माई आईज वे क्राइंग. हम जब एक पहुँचते हैं छतरपुर मंदिर, राइट मिलते हैं मेट्रो स्टेशन से और वो सीधा मंदिर, पहले छतरपुर मंदिर आता है, उससे आगे जाओ तो राधा स्वामी का आता है, उससे आगे और जाओ तो अपना बाटी माई जाते हैं. जब मैं वहाँ जा रही थी तो मैंने देखा कि आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, आई सेड गुरु जी ओएलएक्स का बोर्ड मैंने देखा है गुरु जी, इतने चीज़ें विक दिया. एंड आई एम टॉकिंग टू गुरु जी एंड आई एम टेलिंग गुरु जी तुम खरीदोगे, तो कहते कि तू की बेचना है. मैं कह गुरु जी मैं अपने गम बेचना है. कहने कितने के दोगे, मैंने कहा जो आप कहने तू दाम लगा मैं तन डबल दियांगा. अच्छा चलो ऐसे कर. सो आई एम टॉकिंग टू हिम, आई रीचिंग देर में बड़े मंदिर पहुंच गए. वहाँ मैंने समोसा ब्रेड पकौड़ा और इट वाज अ मंडे चाय प्रसाद दिया एंड आई केम बैक. आई केम एंड सैट इन माय कार एंड माय ड्राइवर टोल्ड मी आई डोंट नो. वो दिन आया और आज का दिन गुरु जी ने मेरी आंखों में आंसू. सो दैट वाज हाउ. सो आई केप्ट माय अंकल ऑन वन साइड ऑफ माय मेमोरी. आई स्पेंट विद हिम 43 इयर्स और शादी से पहले 5 साल अफेयर चला हमारा. सो सो मेनी इयर्स आई स्पेंट विद हिम. आई वाज जस्ट finishing, I finished my school and I was in, entered my college, so I met him. And I'm basically a Calcutta girl, so inside maine sab kuch rakh diya and I moved on forward with Guruji. And now I'm with Guruji. Guruji 5 roj satsang dete hain wahan par apna. और रोज हम सत्संग में जाते हैं, कभी 2 मिल जाते हैं, कभी 3 मिल जाते हैं. अशांति नोज हाउ इट इज इन गुड़गांव एंड एवरीबडे और पास पास में होते हैं. अब हम दूर नहीं जाते, पास 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 सब सत्संग वहाँ पर होते हैं. दैट वाज हाउ गुरुजी इज. और वहाँ पर एक अंकल थे, बड़े बीमार हो गए. गुरु जी मेरा बड़ा ढिड दुखता है. गुरु जी सत्संग जो है वो जो अपने साथ बीता हुआ है वो करना है, और जो अपने आंखों के सामने देखा है वो सत्संग करना है, दूसरों के नहीं करते हैं. ठीक है, तो वो अंकल थे तो उनके बड़े पेट में दर्द हुई. रोज गुरु जी को लाए करते गुरु जी मेरे ढिड विच बड़ी पीड़ है, मेरे ढिड विच बड़ी पीड़ है. उसके अच्छा की पीड़. तो 3 महीने आते रहे, फिर एक दिन हार गया. तो उसने कहा अच्छा आ, उड़िया उन्हें की कीता उंगला मारिया गुरु जी ने उसके पेट में, और उंगला मार के गुरु जी
ਤੁਸੀਂ ਆ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਨ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 35,000 ਖਾਧੇ ਹੋਏ, 10 ਖਾਧੇ, 35,000 ਖਾਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ 70 ਲੱਗ ਗਏ, 35,000 ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ 35,000 ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਹੀ ਵੈਂਟ ਹੋਮ, ਵੈਨ ਹੀ ਵੈਂਟ ਹੋਮ ਹੀ ਹੈਡ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਥਰੂਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ। ਹੀ ਵੈਂਟ ਹੋਮ, ਹੀ ਵੈਂਟ ਦੇਰ ਐਂਡ a tape worm came out of us. That was how Guruji was. To ek aunty thi hamare udhar, and usko aunty to kehne lagi ki tum chai prasad mere ko mang ki manna. To Guruji main 75 saal ki ho gayi aur mere ko hai, mere ko gaddi hai, bangla hai, sab kuch hai, sab kuch hai, to kya hai? To usne kaha nahi, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਗ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ, 15 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ, ਉਹ ਆਂਟੀ ਫਿਰ ਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਮੈਂ, ਔਰ ਉਸ ਕੋ ਬੋਲਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਓ। ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਸਨੇ ਪੀ ਔਰ ਉਹ ਬੋਲੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਪੈਰ ਪੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਮ ਲੋਕ ਜਬ ਜਲੰਧਰ ਮੈਂ ਥੇ, ਹਮ ਲੋਕ ਜਬ ਜਲੰਧਰ ਮੈਂ ਥੇ ਤੋ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਮਹਾਂਤੀ ਅੰਕਲ ਥੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਕੋ ਬਤਾਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ, we been in the cabinet secretariat with Rajiv Gandhi's office, one army, one air force and one naval officer were there. He was from the army and we were from the hamara uthna baithna khana peena sab ikattha, but guruji ke bare mein usne kabhi kuch nahi hum logon ko bataya ki aise koi guru hai ya kya. So he was in Jalandhar at that time, so we were there in Jalandhar. I went to Jalandhar. ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਆਰਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪ ਬਲੈਸ ਕੀਜੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾ। ਉਹ ਚਾਹ ਪੀਣੇ ਲਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਤੋ 11 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਤੋ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾ। ਉਸਕੋ ਚਾਹੇ ਪਿਲਾਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਪਿਲਾਤੇ ਗਏ। ਜਬ 2 ਵਜੇ 2-2.5 ਵਜੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਬੋਤ ਕੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਗਈ ਆਏ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੋ ਨਿਕਾਲ ਦੇਂਗੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਚਲਾ। ਜਬ ਹੀ ਵੈਂਟ ਦੇ ਉਸਕਾ 2 IC ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਆਪ ਆ ਗਏ, ਅਬ ਤੋ 1 ਘੰਟਾ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ, 3 ਵਜੇ ਕਾਨਫਰੰਸ 4 ਵਜੇ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੋ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਤੋ 11 ਵਜੇ ਸਬਸੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਕੀਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਸ 11 ਵਜੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੋ 4 ਕਿੰਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ 4 ਵਜੇ ਹੈ, 4 ਵਜੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਭ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਐਂਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਗ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਪੈਰ ਪੜ ਗਿਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਾਲ ਟਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋ ਯਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਏ ਪਿਲਾ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਦਿੱਤਾ ਯੂ ਵੁਡ ਹੈਵ ਟੇਕਨ the wrong decisions aur tere upar kaal aaya ho tha, wrong decisions leta hai sab kuch karta, the whole India would have been into a state, main tera ithe baith ke kaal kadya,
गुरु जी ने 11 बजे का टाइम लिखा हुआ, 4 बजा दिया। ऐसे हैं हमारे गुरु जी जो 11 से भी 4 बजा देते हैं। तो ये है गुरु जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जब आप सत्संग सुना रहे थे ना,